हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको सैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए दे कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्श कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर्मा ध्वन ज्योतिका जान की बोडीवालनगढ़राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज और इस डिस्ट्रीब्यूट कैंपेन मरुधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका है और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है चले फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एस कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एस का राज्यप के रूप में ज्योति का रूप में जानकी बॉडी वाला ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज्य सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्वी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के, लिए जानवी को के उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वंधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वधराजी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया उसने काला जादू के जावी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रो, रो, रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निदेशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पंदा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कभी वनराज को बहुत सारे पैसे देने के पेशकश करता है और, है और उसके अनुरोध करता है हालांकि कबीर और, और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाज पर खड़ा है जिसके प्रतिष्ठित कवि द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कम है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्ष कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाये देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोड आनगढ़राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव... देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पे मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू और इसका रैंटे टाइम है टू मिनट और ये इंडिया में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वन राज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उस वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है करता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादुई से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने है, जिससे ध्रुव ध्रुव के के लिए जानवी को डांटते हैं। रात्रि भोज के दौरान व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वधराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला तो के और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है कचीचा की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में पता है वनराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वधराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की अनुरोध करता है, है।, कर है, और और कर है। हालांकि होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रही है वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव... देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू और इसका रेटे टाइम है थर्टी मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन अजराज कश्यप के रूप में ज्योतिका एज ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राजु कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सस्ता के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने है, जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति के के जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए जब वंधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वनराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है कच्ची चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में है हेमदराज को बताया ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वाज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर राज को बहुत सारे पैसे दे दे की पेशकश करता है और उसके जादू की जादू बॉक्स जानवे अनुरोध करता है राज प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं हो लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए दे कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया दे जाए, जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका रैंट टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एश वन राज कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि नी अन कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और उस स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है होता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के साथ के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने दिखती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंत्रराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंत्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंत्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में हेमंतराज को बताया भी ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वनराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निदेशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फाव छोड़ देती है

जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को, को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहे हो ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जानकी बोडीवाल आनगढ़राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव... देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मरुधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका रन टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला जानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्हवी ने बिस्कुट खाया और उस स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वज्रराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हाथ करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वज्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना जरूर कर देता है वज्र जानवे को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वधराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से हो जाते हैं वह और वधराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वधराज ने खुलासा किया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में हमदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वनराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पंदा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे दे देने की पेशा करता है और उसके जादू की जादू जान देने का अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाये देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज का कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि नी कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कपूर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राजु कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है मिलता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वदराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वदराज जादुई को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जावी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने आदमी को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग रे के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पंदा होने पर पुलिस फवाह छोड़ देती है

प्रतिष्ठित कवि द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट बेस्टोरे हैं वर्श बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सीनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव, देवगन फिल्म पैनोरोमा स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मरूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज़ रहा है एट मार्च और इसका रैंटे में थर्टी टू मिनट और ये इंडिया में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका ए ज्योति ऋषि नी अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में अनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए खाते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उस वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्हवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध कर होता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने व्यक्ति है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मदराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मदराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वह दराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके के साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के समान सजादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में है वाज को बताया बीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने के करता है, और है और उसके अनुरोध करता है हालांकि कबीर और, और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रही है वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोर्ड बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दी सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव, देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीजेड रहा है एट मार्च टू और इसका रेटे टाइम है थर्टी मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुवन एज का कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है सकता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के संस्थान के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जाधवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वदराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वदराज जादूई को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि जादू के जादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है कच्ची चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मिना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने आदमी को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है वनराज को बहुत सारे पैसे देने के करता है और, है और उसके जानवी की जानवे अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़ा है जिसके

के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वार्श कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव... देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू और इसका रैंटे थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एच वाज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी अन कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी एं कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपने मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और उस स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है होता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादुई से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देश देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंत्रराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंत्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंत्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला तो सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रो, रो, रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में वराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वधराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है ज को बहुत सारे पैसे देने के पेशकश करता है और, है और उसके जादू अनुरोध करता है, कर लेता है और, उस और पैसे अपने सम्मान स्वरूप में नहीं हो लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहे हो ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रही है वर्ष बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाये देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जान की बोडिवाल अनगराज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनलोमा स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्हवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जाह्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के संस्थान के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने दिखती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंत्रराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंत्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंत्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया जादू के जाधवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रो, रो, रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में हमदराज को बताया भी ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे दे देने की पेशकश करता है और उसके जादू की जादू जान देने का अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रही है वर्ष कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देवगन फिल्म पैनोरमा स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वन राज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कपूर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है करता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे राधे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के साथ के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मदराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मदराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने आदमी को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में राज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निदेशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि ना होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है

कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए तो आपको लग रही कमेंट करके लगी। इस वीडियो को को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल जरूर हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहे हो ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहा है वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जान की बोडीवाल ग और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव... देवगन फिल्म पैनोरोमा स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका रैंटे में थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुवन एज वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जाह्नवी ने बिस्कुट खाया और उस स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादुई से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने जिससे ध्रुव ध्रुव के के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए जब वधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वनराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा कि तो किया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में हमदराज को बताया बीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वाज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता देगी कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मोहन राज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि गद पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की और उसके जादू जादू की बॉक्स अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को, को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है, आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीव आनगढ़ राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दी सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे डेट रहा है एट मार्च टू और इसका रैंटे मेवर है थर्टी मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वर्मराज कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी एं कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में अनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताहांत की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्वी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जाधवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वज्रराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वज्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वहां जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से प्रम्भित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जावी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग के बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पंदा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कभी वनराज को बहुत सारे पैसे देने के पेशकश करता है और, है और उसके अनुरोध करता है हालांकि कबीर और, और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाज पर खड़ा है जिसके अपशिष्ट कवि द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्ष कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाये देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोड आनगढ़राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पे मरूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू और इसका रैंटे टाइम है टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वन राज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी एं कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उस वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है करता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जाधवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने दी है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंदराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंदराज जानवी को कबीर उसको रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके के साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के समान जादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है कचीचा की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में पता है वाज को बताया भी ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वधराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की अनुरोध करता है हालांकि होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे है वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जी इस जियो स्टूडियोज दे। देवगन देव फिल्म पैनल स्टूडियोज और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू और इसका रैंटे में थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन अजराज कश्यप के रूप में ज्योतिका एज ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राजु कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध कर दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सस्ता के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने है, जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति के के जानवी को हैं। रात्रि भोज के दौरान की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए जब वंधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वनराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वधराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वधराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वधराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में है हेमदराज को बताया ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वाज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर राज को बहुत सारे पैसे दे देने के पेशकश करता है और, है और उसके जादू की जादू जानव देने का अनुरोध करता है राज प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट मार्च टू थाउजेंड और इसका टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एच वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी बॉडीवाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राज ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और उस स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है होता है वह कहते हैं कि जैसे ही उसके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के साथ के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वज्रराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स चिपकता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वज्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वज्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में हेमंतराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वनराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निदेशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फावास छोड़ देती है कभीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है और उसके जादू की जादू बॉक्स देने का अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार लेता है और उस और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहे हो ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्ष बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जानकी बोडीवाल आनगढ़राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मरुधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट थाउजी फोर और इसका रैंटे में वन है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला जानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में अनगढ़ राज ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्हवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्हवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने दे दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वनराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए जब वंधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वधराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से हो जाते हैं वह और वधराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वधराज ने खुलासा किया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में हमदराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वनराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने के पेशकश करता है और उसके जादू की जादू जान देने का अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि कै सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रहे हैं वर्ष बाई कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एच का कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कपूर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ राजु कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है मिलता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वदराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वदराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वदराज जादुई को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के जादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया भी नवज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने आदमी को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मोहन ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निदेशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिगत गतिविधि पंदा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है

प्रतिष्ठित कवि द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे है आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट बेस्टोरे हैं वर्श बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोड आनगढ़राज और इस फिल्म को सीनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव, देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मरूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है मार्च फोर और इसका रैंटे में थर्टी टू मिनट और ये इंडिया में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज वनराज कश्यप के रूप में ज्योतिका ए ज्योति ऋषि नी अन कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में अनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए खाते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उस वनराज की हर बात वादे की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जान्हवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है सकता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कभी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वंधराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है वधराज जानवी को कबीर उसको रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वह दराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी जादवी के अजीब व्यवहार से प्रभ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके के साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला जादू के समान सजादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में है वाज को बताया बीना नवज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वाज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बता देगी कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मोहन राज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि ना होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने की है और, है और उसके जादू जादू की बॉक्स देने अनुरोध करता है प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को, को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें और आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्टोरी है वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आरमा ध्वन ज्योतिका जन की बोर्ड बोडर आनगढ़ राज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दी सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव, देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीजेड रहा है एट मार्च टू और इसका रेटे हमारे थर्टी मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एज का कश्यप के रूप में ज्योतिका का ज्योति ऋषि नी अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला एजानवी कपूर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्ट अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध कर वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा। कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के संस्थान के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जाधवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वंदराज उसे डराने का निर्देशन देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंत्रराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंत्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंत्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि जादू के जादवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में मदराज को बताया मिना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि मदराज ने आदमी को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत कूद बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कभीर वनराज को बहुत सारे पैसे दे करता है और, है और उसके जादू जादू की बॉक्स अनुरोध करता है, कर लेता है और उस, और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है की जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके

के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो वॉर्स बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जाए देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जन की बोडीवाल गाज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देवगन फिल्म पैनल स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलेटेड रहा है एट टू और इसका रैंटे थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी सिक्सटी फाइव करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एच कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन एच वाज कश्यप के रूप में ज्योतिका एस ज्योति ऋषि नी अन कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडीवाला एजानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ ध्रुव कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते है और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते है जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपने मेज पर शामिल होने के लिए कहते है वह जाह्नवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जानवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जानवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है होता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएंगे कबीर उसे रहने दे के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादुई से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देश देता है जाधवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने ती है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान मंत्रराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब मंत्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है मंत्रराज जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया कि उसने काला तो जाोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है चाय की पत्तियां खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे खतरे में वराज को बताया मीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वधराज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वह पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेहनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है राज को बहुत सारे पैसे देने के पेशकश करता है और, है और उसके अनुरोध करता है, कर लेता है और, उस और पैसे अपने सम्मान स्वरूप में नहीं हो लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने पर खड़ा है जिसके जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में आपको शैतान मूवी के बारे में बताने जा रहे हो ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचरल हॉर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विकास बहल और इसे लिखे आमिल कियान खान और इसे स्टोरी दिए कृष्णा देव याग्निक और बेस्ट हो रही है वर्ष बाय कृष्णा देव याग्निक और इसे प्रोड्यूस किया जय देवगन ज्योतिका कुमार मंगट पाठक अभिषेक पाठक और इस फिल्म को स्टारिंग दिया जाए देवगन आर माधवन ज्योतिका जान की बोडिवाल अनगराज और इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी दिए सुधाकर रेड्डी या कांति और इसे एडिट किए संदीप फ्रांसिस और इसे म्यूजिक दिए अमित त्रिवेदी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियोज देव देवगन फिल्म पैनलोमा स्टूडियोज इस और, इस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए पेन मारूधर इंटरटेनमेंट और इसे रिलीज डेट रहा है एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसका रन टाइम है थर्टी टू मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्सटी करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं अजय देवगन एज कबीर ऋषि के रूप में और मधुबन वनराज कश्यप के ज्योतिका में ज्योति ऋषि अनवर कबीर वाइफ के रूप में जानकी बॉडी वाला जानवी कबीर एंड ज्योति डॉटर के रूप में आनगढ़ कबीर एंड ज्योति सन के रूप में तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जीते हैं वे एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक दूरदराज की पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर सप्ताह की छुट्टी की योजना बनाते हैं रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं वह जानवी को एक लड्डू देता है और इसे खाने के बाद जानवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात बांधने की इच्छा महसूस होती है वो उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जान्हवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचते ही उन्हें खाने का निर्देशन देता है फार्म हाउस पहुँच कर जाह्नवी ने बिस्कुट खाया और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ शामिल हुई कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और उससे कुछ समय बाद के लिए वहाँ रहने के देने का अनुरोध करता है दिखता है वह कहते हैं कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वह चले जाएगा कबीर उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया हालांकि ज्योति को संदेह हुआ वह सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस के सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला जब ध्रुव जादवी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वह दराज उसे डराने का निर्देशन देता है जादवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज गति से झूलने है जिससे ध्रुव डर जाता है कबीर और ज्योति ध्रुव के डराने के लिए जानवी को डांटते हैं रात्रि भोज के दौरान वज्रराज की व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक स करता है जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए और जब वज्रराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकाला जरूर कर देता है वज्र जानवी को कबीर को रोकने का निर्देशन देता है और वह तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा वे सभी के अजीब व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं वह और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके के साथ क्या किया वनराज ने खुलासा किया जादू के जाधवी को सम्मोहित कर लिया और वह उसके अब उसके नियंत्रण में है उसके हर आदेश का पालन कर रही है वनराज आगे कहता है कि वह जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है वनराज के आदेश के अनुसार जानवी हंसती है और रो, रो, रोती है अपने माता पिता के सेल फोन तोड़ देती है कचीचा की पत्तियाँ खाती है अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है और बताया है। कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में है हेमदराज को बताया बीना ज्योति ने दूसरे सेलफोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ है क्योंकि वाज ने चार को आदेश दिया कि है कि अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो वह रसोई में रहेगी और गैस सिलेंडर के उड़ा देगी वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वह अपने कमरे में सो रहा है लेकिन असल में मेंज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपा कर रखने का निर्देशन दिया है क्योंकि उसके सामान माथे पर चोट लग बाद बहुत खून बह रहा है कोई संदिग्ध गतिविधि पन्दा होने पर पुलिस फवाहा छोड़ देती है कबीर राज को बहुत सारे पैसे दे देने की पेशकश करता है और उसके जादू की जादू जान देने का अनुरोध करता है राज प्रस्ताव कर लेता है और उस और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जानवी अपने सम्मान स्वरूप में नहीं लौट रही है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में है वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो सामने दरवाजे पर खड़ा है जिसके जिसने कभी द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं